अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसे बॉलीवुड का यंगरी यंगमैन कहा जाता है। इस सुपरस्टार का ऐसा जलवा रहा कि इसकी फिल्म रिलीज होते ही सिनेमा घरों में देखने वालों की लाइन लग जाती थी। शोले, दीवार, जंजीर, मर्द, कूली जैसी कई फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म है जो हिंदी सिनेमा में कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है, जिसके दमदार डायलॉग रहे हैं, जिसके किरदार हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म से ही अमिताभ बच्चन को पहला नेशनल अवार्ड मिला और जब इसका रीमेक बनाया गया तो उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कुछ याद आ रहा है? नहीं तो हम बताते हैं। इस फिल्म का नाम है अग्निपथ। 16 फरवरी 1990 ये वो दिन था जब अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ रिलीज हुई और हर बार की तरीके इस बार भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों की सिनेमा घरों के बाहर लाइन लग गई थी। फिल्म के हर डायलॉग पर तालियां बज रही थी। कहानी अलग थी, लुक अलग था, डायलॉग अलग थे, लेकिन एक चीज सबको खटक रही थी, ये वो आवाज तो नहीं थी जो मुर्दों में जान डाल देती थी। खैर, फिल्म की स्टोरी शानदार थी और अमिताभ डॉन के बाद पहली बार गैंगस्टर के रोल में नजर आए थे, लेकिन फिर भी फिल्म में एक खालीपन था जिसके चलते सिनेमा घरों की सीटें भी खाली होने लगी। इसका एहसास फिल्म बनाने वालों को भी हुआ तो उन्होंने रातों रात भूल सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नतीजन फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन फिर भी फिल्म को चारों तरफ खूब वाहवाही मिली और अमिताभ को वो मिला जो उन्हें 20 साल के कैरियर में नहीं मिला था, बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड। और अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों की तरह इसका सुरूर भी लोगों पर धीरे धीरे चढ़ा और वीडियो कैसेट से लेकर केबल तक यह फिल्म इतनी देखी गई कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक कल्ट मूवी बन गई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अमिताभ की आवाज बदलने का प्रयोग इसे ले डूबा, लेकिन अमिताभ की माने तो फिल्म कई दूसरी वजहों से भी फ्लॉप हुई। फिल्म की तैयारी 1987 से चल रही थी, लेकिन तब अमिताभ बच्चन और मिथुन दोनों ही व्यस्त थे और इस फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। नतीजन फिल्म काफी लेट हो गई। इसी दौरान कई ऐसी फिल्में रिलीज हो गई जिनकी कहानी अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी। फिरोज खान की दयावान, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की परिंदा और मिथुन की मुजरिम, इन तीनों फिल्मों में कई मसाले थे जो ओरिजिनली अग्निपथ के लिए लिखे गए थे। दरअसल पिछली तीनों फिल्में सुपर हिट रही थी, जिसके चलते इस फिल्म में लोगों को उतना नयापन नहीं लगा जो प्रोड्यूसर और खुद अमिताभ बच्चन ने सोचा था। जहां तक अमिताभ की आवाज बदलने का सवाल है तो आइडिया यही था, चूंकि वो पहली बार पारंपरिक एक्शन ड्रामा डांस से हटकर गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं तो आवाज के साथ भी क्यों ना एक प्रयोग किया जाए, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। बाद में फिल्म अमिताभ की ओरिजिनल आवाज में डब की गई और ऐसा पहली बार हो रहा था कि फिल्म सिनेमा घर में चल रही थी और उसमें इतने बदलाव किए जा रहे थे और 28 करोड़ में बनी ये फिल्म 10 करोड़ कमाकर फ्लॉप साबित रही। हालांकि फिर भी ये साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और इसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, जिसमें मिथुन को बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड भी शामिल था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि 22 साल बाद यानी 2012 को इसी फिल्म का रीमेक बनाया गया और अमिताभ का रोल ऋतिक ने निभाया। फिल्म का बजट रखा गया 58 करोड़ और इस फिल्म ने 190 करोड़ का कलेक्शन करके उस टाइम बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी। वैसे दोस्तों, आपको अमिताभ की फिल्म अग्निपथ ज्यादा अच्छी लगी कि ऋतिक की, कमेंट में हमें जरूर बताइए और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।